सुंदर पहाड़ों के घने जंगल के कठिन चढ़ाई वाले रास्तों पर पैदल चलकर सावन के इस पवित्र महीने में शिव भक्त शिव जी के प्रसिद्ध मंदिर नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर के पास में ही स्थित इस गुफा में संत तपस्या कर रहे हैं। यह है रहस्यों से भरी हुई चमत्कारी झिलमिल गुफा, जो काफ़ी बड़ी है दोस्तों, किसी स्वर्ग से कम नहीं है नीलकंठ की पहाड़ियाँ। जगह जगह पर पैदल मार्ग में भंडारे का भी आयोजन किया गया है। दुर्गम चढ़ाई वाले रास्तों पर पैदल चलकर शिव भक्त यात्रा करते हैं, तब जाकर स्वर्ग में स्थित नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। यहाँ स्वर्ग जैसी सुंदरता, शीतलता, सुकून सब कुछ है। यह माता पार्वती द्वारा प्रकट किया गया गौरी कुंड है, जिसका जल बहुत शीतल और पवित्र माना जाता है। मित्रों, गौरी कुंड के पास में है माता पार्वती की यह तपस्थली, जहाँ से सुंदर नीलकंठ की पहाड़ियों के दृश्य दिखते हैं। नीलकंठ की पहाड़ियों में हैं ढेरों रहस्यमयी गुफाएं, और इस गुफा में गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हरफन भोला यात्री पर। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर, और अभी आप माँ गंगा के दर्शन करें। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव झिलमिल गुफा और गणेश गुफा तक की यात्रा पैदल मार्ग से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले माँ गंगा से ताज़ा जल भर लेते हैं नीलकंठ महादेव जी को चढ़ाने के लिए। तो जल हमने भर लिया है, और अब हमने जो है दोस्तों परमार्थ निकेतन घाट से यात्रा प्रारंभ कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, लगभग परमार्थ निकेतन से 200 मीटर आने के बाद ये टी पॉइंट मिलेगा। तो अगर आप यहाँ से नीलकंठ महादेव की यात्रा टैक्सी से, शेयरिंग टैक्सी से करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारी टैक्सीज खड़ी भी हैं, 230 रुपये में लेकर के जाएंगे और लेकर के आएंगे भी। बाकी हम पैदल यात्रा करने वाले हैं, तो हम जो है पैदल यात्रा करेंगे, संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इस टाइम सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी नीलकंठ महादेव जी की पैदल यात्रा कर रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की खूबसूरत पहाड़ियों की गोद में दो नदियों के संगम तट पर स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, साथ ही साथ ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। दोस्तों, लगभग परमार्थ निकेतन घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस पॉइंट पर पहुँचे हैं। यहाँ से नीलकंठ की असली पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर सूचना बोर्ड को दोस्तों जरूर पढ़ लें। यात्रा करने से पहले इस सूचना बोर्ड को आप जरूर पढ़ लें दोस्तों। तो लेफ्ट वाले रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से असली पैदल मार्ग स्टार्ट होता है नीलकंठ महादेव जी के लिए। दोस्तों, हम नीलकंठ महादेव के दर्शन कराने के साथ साथ पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा और गणेश गुफा के भी दर्शन कराएंगे। कुल दूरी की बात करें तो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर की पैदल मार्ग की दूरी 10 किलोमीटर की है। वहीं झिलमिल गुफा और गणेश गुफा की दूरी नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की है। तो इस दौरान मैं कुल 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए करूंगा दोस्तों, और आपको संपूर्ण जानकारी के साथ साथ नीलकंठ महादेव मंदिर, पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा और गणेश गुफा के दर्शन कराऊंगा।
और रास्ते में इस तरह से ढेर सारे झरने भी देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो पैदल मार्ग है यह राजा जी जंगल के घने पहाड़ी जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जंगल बिल्कुल घना और चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी होती जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मौनी बाबा के आश्रम और यहाँ पर देख सकते हैं भंडारे का आयोजन किया गया है शिव भक्तों के लिए। सावन के महीने में इस तरह से बहुत सारे भंडारे का आयोजन पैदल मार्ग में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों ये जो पैदल मार्ग है यह दोस्तों राजा जी जंगल के घने पहाड़ी जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता है और जैसे ही आप मौनी बाबा आश्रम से यात्रा प्रारंभ करेंगे वहाँ से दोस्तों बिल्कुल चढ़ाई खड़ी हो जाती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, रास्ते बिल्कुल दुर्गम होते जाते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे ही दुर्गम रास्तों पर शिव भक्त चलते हैं और भगवान भोलेनाथ के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को पास करते हैं दोस्तों, तब जा करके भगवान भोलेनाथ इनको दर्शन देते हैं। और यहाँ से दोस्तों यानी मौनी बाबा आश्रम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जंगल बिल्कुल घना होता जाता है और चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी होती जाती है दोस्तों। यह बाघ और तेंदुआ जैसे खतरनाक जानवरों का जंगल है, तो जब भी आप यात्रा करें तो ग्रुप में और दिन के समय यात्रा करें, क्योंकि अंधेरा होने पर बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यात्रा दिन के समय में ही करें, दिन में भी यात्रा ग्रुप में करें, क्योंकि अकेले इस घने पहाड़ी जंगल में यात्रा करने पर भी हिंसक जानवर अटैक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस पैदल मार्ग पर साधु संत की वेशभूषा में जहर खुरान भी घूमते रहते हैं। अकेले रहेंगे तो वे कुछ भी आपको सुंघा कर बेहोश करके आपसे लूटपाट कर लेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें पैदल यात्रा करते समय। बाकी इस टाइम कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, क्योंकि ये सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव भक्तों कांवड़ियों का जो है पूरा भीड़ इस वक्त लगा रहेगा पूरे सावन महीने भर दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के पैदल मार्ग पर। यही नहीं दोस्तों सावन के महीने में दिन में तो यात्रा करते ही हैं शिव भक्त इस पैदल मार्ग पर, इसके अलावा बताया जाता है कि रात में भी इस पैदल मार्ग पर शिव भक्त यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की शिव भक्तों की। सावन में भगवान भोलेनाथ यानी कि नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों शिव भक्तों की, तो दिन के साथ साथ रात में भी यात्रा जारी रहती है। लेकिन जब सावन समाप्त हो जाता है तो इक्का दुक्का ही श्रद्धालु यात्री इस पैदल मार्ग पर चलते हैं, तो उस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दिन के टाइम में ही यात्रा करें, ग्रुप में यात्रा करें, रात्रि के टाइम में यात्रा ना करें, अंधेरा होने के बाद यात्रा ना करें, क्योंकि यह घना तेंदुए और बाघ का जंगल है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें जब सावन का महीना समाप्त हो जाए तब, इस टाइम तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों जहाँ पर नीलकंठ मंदिर स्थित है वह स्थान सुंदर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वह स्थान एकदम शीतल है। वहाँ पहुँचते ही जीते जी स्वर्ग में आने का एहसास और सुकून मिलता है। दोस्तों जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जो भी अच्छी चीज़ें निकल रही थीं तो उसे देवता और असुर आपस में बांट ले रहे थे, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला जिसे देख देवता और असुर भाग खड़े हुए। विष इतना शक्तिशाली था कि इससे दसों दिशाएं जलने लगी। यह विष पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था। तभी भगवान शिव ने संसार की रक्षा करने हेतु, मानव जगत का कल्याण करने हेतु हलाहल विष का पान उस स्थान पर किया जिसके आज मैं दर्शन कराऊंगा
जिसे आज हम नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि दो नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों जब शिव जी हलाहल विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती उनके पीछे खड़ी थी और उन्होंने तुरंत उनका गला पकड़ लिया, ताकि जो हलाहल विष है वह शिव जी के शरीर के अंदर प्रवेश न कर पाए। इस तरह विष शिव जी के गले में ही अटक कर रह गया और विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों विष की गर्मी इतनी अधिक थी कि भगवान शिव बेचैन हो गए। जैसे ही उन्होंने विष का पान किया, उस विष की गर्मी से बेचैन हो गए भगवान शिव, और शिव जी ठंडक पाना चाहते थे, राहत पाना चाहते थे उस हलाहल विष से। तो जिस स्थान पर उन्होंने विष का पान किया, वह स्थान दोस्तों बहुत ही शीतल है। वहाँ पे दो नदियों का संगम होता है और वो दो नदियाँ दो झरनों के रूप में उस नीलकंठ महादेव मंदिर के नीचे प्रवाहित होती हैं, जिसको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा भी। और वह स्थान बिल्कुल शीतल है, ठंडा है, स्वर्ग जैसा सुंदर है। दोस्तों ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा वीडियो में चल करके। तो भगवान शिव जी उस हलाहल विष की गर्मी से राहत पाने के लिए, ठंडक पाने के लिए उसी स्थान पर हजारों वर्षों तक समाधि में लीन हो गए, ध्यानमग्न हो गए। और इस तरह कई वर्षों तक शिव जी समाधि में लीन रहे। इस बात से माता पार्वती बहुत परेशान हुई, काफ़ी प्रयास किया और माता पार्वती ने भी कई वर्षों तक शिव जी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए। सोचने वाली बात है दोस्तों, भगवान शिव हजारों वर्षों तक समाधि में लीन रहे और उसी समाधि से जगाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए माता पार्वती ने भी नीलकंठ महादेव मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, उसके भी मैं दर्शन कराऊंगा, जिसे आज पार्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने भी हजारों वर्षों तक कड़ी तपस्या करी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, समाधि से जगाने के लिए, लेकिन फिर भी शिव जी समाधि से नहीं उठे, यानी माता पार्वती विफल रहीं अपनी तपस्या के बावजूद। अंत में माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं को आग्रह कर बुलाया कि वे शिव जी को समाधि से जगाएं। तो बाद में हनुमान जी अपनी माता जी के साथ प्रकट हुए और इसके अलावा नरसिंह देवता भी प्रकट हुए, शनि देव महाराज भी प्रकट हुए और इसी तरह से सभी देवता देवी देवता प्रकट हुए नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास। उन सभी देवी देवताओं ने कठिन तपस्या करी है भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए। तब जाकर के दोस्तों भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, समाधि से जगे और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाने से पहले उस स्थान को नीलकंठ महादेव का नाम दिया, जिसके दर्शन करने से बताया जाता है कि भक्तों को, श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन सफल होता है। और यहाँ से दोस्तों ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट का भी बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और यकीन मानिए बिल्कुल सुंदर पहाड़ों के दृश्य देखने को मिलते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों इस यात्रा को पूरा करने के लिए अगर आप ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव की यात्रा पैदल कर रहे हैं, तो इस दौरान कुल 10 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए। समय की बात करें दोस्तों, तो सामान्यतः 3 घंटे का समय लगता है और हम पहुंच भी चुके हैं दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर। अंतिम के जो 2 किलोमीटर की यात्रा होती है वह बिल्कुल आसान होती है, नीचे की तरफ होती है दोस्तों। और ये जो सामने आप खूबसूरत पहाड़ियों के दृश्य देख रहे हैं, इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों की गोदी में
नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों। यह स्थान बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर और शीतल है। आज जो है दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ भी है। और ये जो फल देख रहे हैं दोस्तों, इसे श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास के दौरान खाया था। यह कंदमूल का फल है दोस्तों। सावन के महीने में दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर शिव भक्तों कांवड़ियों का रेला होता है। और ये देख सकते हैं काफी लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर में दर्शन पाने के लिए शिव भक्तों की। तो हम भी दोस्तों लाइन में शामिल हो लिए और लगभग 2 घंटे लग गए दोस्तों हमको दर्शन पाने में भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव जी के, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन थी, तब जा कर के हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन मिले नीलकंठ महादेव जी के। आप भी दोस्तों दर्शन कर लें। यही वो स्थान है दोस्तों जहां पर भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान किया और उस विष की गर्मी से राहत पाने के लिए, ठंडक पाने के लिए इसी सिद्ध समाधि मंदिर वाले स्थान पर हजारों वर्षों तक समाधि में लीन हो गए थे। और इस स्थान पर 2 झरनों का संगम होता है। ये 2 नदियां हैं दोस्तों, पंकजा और मधुमती नदी। यहाँ पर भक्त ठंडे जल में, पवित्र जल में स्नान जरूर करते हैं। तो हमने जो है दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करा दिए, मंदिर सामने है। अब यहाँ से जो है हम आगे की यात्रा करेंगे झिलमिल गुफा और गणेश गुफा तक की दोस्तों। और यहाँ से अब हम 5 किलोमीटर का ट्रैक यानी 5 किलोमीटर पैदल यात्रा और करेंगे दोस्तों, तब जा करके हम आपको गणेश गुफा और झिलमिल गुफा के दर्शन करा पाएंगे दोस्तों। नीलकंठ मंदिर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर सिद्ध बलि हनुमान मंदिर स्थित है दोस्तों, जो कि सामने है, देख सकते हैं। इस स्थान पर दोस्तों हनुमान जी अपनी माता जी के साथ प्रकट हुए थे माता पार्वती के आग्रह करने पर, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए हैं अपने माता जी के साथ दोस्तों। कड़ी तपस्या करी भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। और ये बेहद ही सुंदर मंदिर है दोस्तों हिमालय की गोदी में। कहते हैं यहाँ पर दर्शन करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। तो हमने जो है नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करा दिए, इसके अलावा सिद्ध बलि हनुमान मंदिर के भी दर्शन कराए दोस्तों। अब जो है हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शनिदेव मंदिर है। और इसके अलावा है दोस्तों नरसिंह देवता मंदिर। दोस्तों बेहद खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है नीलकंठ की पहाड़ियां। जीवन में आपको एक बार जरूर यात्रा करनी चाहिए दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा। और अभी हम पहुंच चुके हैं नरसिंह देवता मंदिर। यह वही स्थान है जहां पर नरसिंह देवता प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करी उनको समाधि से जगाने के लिए। तो इस पवित्र स्थान के आप दर्शन करें। नरसिंह देवता मंदिर के पास में ही लगभग 100 मीटर की दूरी पर दोस्तों एक पवित्र स्थान है जिसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये पवित्र स्थान दोस्तों एक कुदरती जल का स्रोत है, जिसे यहाँ पर कुंड के नाम से, कुएं के नाम से भी जाना जाता है। तो यही है दोस्तों जो कि ऊपर से ढका हुआ है। इस स्थान पर इसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका जल बहुत ही पवित्र, बहुत ही शीतल माना जाता है दोस्तों। तो जब भी आप यात्रा करें तो इस पवित्र जल को जरूर पिएं दोस्तों। कहते हैं कि इस कुंड को, इस
गौरी कुंड को माता पार्वती ने इस स्थान पर प्रकट किया है दोस्तों, और यहाँ पर एक प्राचीन पीपल का वृक्ष भी मौजूद है। तो अभी अभी दोस्तों हमने आपको पवित्र गौरी कुंड के दर्शन कराए, और इसी गौरी कुंड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर माता पार्वती का वह स्थान है जहाँ पर माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कड़ी तपस्या करी थी भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। अभी दोस्तों हम आपको शनि देवता के दर्शन कराते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के शनि देवता को दर्शन दिए, और इस स्थान पर शनि देवता ने कड़ी तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाया, उनको प्रसन्न किया। दोस्तों अभी आप दर्शन करें। शनि देवता मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पार्वती मंदिर है। पार्वती मंदिर वह स्थान है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कड़ी तपस्या करी थी दोस्तों, और इसी स्थान पर उन्होंने एक गौरी कुंड भी प्रकट किया था। कहते हैं कि जब माता पार्वती कड़ी तपस्या करती थी तो उस दौरान इसी गौरी कुंड के जल का वह प्रयोग करती थी दोस्तों, जिसे आज पवित्र गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसके मैंने आपको दर्शन कराए। तो अभी हम पहुंच भी चुके हैं दोस्तों माता पार्वती मंदिर, प्रसाद भी हमने ले लिया है। यही वो पवित्र स्थान है दोस्तों जिसे माता भुवनेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ से सुंदर पहाड़ों के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। इसी स्थान पर माता पार्वती ने कड़ी तपस्या करी थी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो अभी आप दर्शन करें माता पार्वती के, और यहाँ से दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल सुंदर स्वर्ग जैसा दृश्य देखने को मिलता है। सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, उसी पहाड़ी की गोदी में नीलकंठ महादेव जी विराजमान हैं। माता पार्वती मंदिर के दर्शन कराने के बाद अब हमारी यात्रा झिलमिल गुफा और गणेश गुफा की तरफ आगे बढ़ चुकी है। यहाँ से झिलमिल गुफा 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। झिलमिल गुफा से भी आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर गणेश गुफा है, जो कि हमारी इस यात्रा की अंतिम मंजिल है। वो जो सामने वाली पहाड़ी आप देख रहे हैं दोस्तों, उसी पहाड़ी पर झिलमिल गुफा और गणेश गुफा स्थित है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं दोस्तों पहाड़ों पर, और बहुत ही शीतल और ठंडक भरा स्थान है यह नीलकंठ की पहाड़ियाँ, और बरसात की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हैं ये पहाड़ियाँ दोस्तों। और जीवन में एक बार यात्रा आप जरूर करें इस स्वर्ग जैसे सुंदर स्थान की, वो भी पैदल मार्ग से होते हुए दोस्तों। जब आप पैदल मार्ग से होते हुए नीलकंठ महादेव जी, माता पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा की यात्रा करेंगे, तब जो है दोस्तों इस स्वर्ग जैसे सुंदर स्थान का जो है सुकून आप प्राप्त कर पाएंगे। और सामने वाली खूबसूरत पहाड़ी पर देखें, काले बादल छाए हुए हैं। उसी पहाड़ी पर दोस्तों झिलमिल गुफा और गणेश गुफा स्थित है, जिसके मैं दर्शन कराने के लिए आपको लेकर के जा रहा हूँ। दोस्तों झिलमिल गुफा के बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, काफ़ी रहस्यमय और चमत्कारी गुफा बताई जाती है। भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित है झिलमिल गुफा। काफ़ी प्राचीन और पुराने रहस्यों से भरी हुई है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि बाबा गोरखनाथ ने झिलमिल गुफा में धुना स्थापित कर भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की थी। जलते हुए धुने के कारण जो झिलमिल गुफा है कहीं कहीं पर काली पड़ गई है। जब तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ तो उस गुफा में, उस झिलमिल गुफा में प्रकट हुए और गोरखनाथ जी को दर्शन दिए। और बताया भी जाता है कि कुछ दिन तक शिव जी भी बाबा गोरखनाथ जी के साथ उस झिलमिल गुफा में एक साथ रहे थे, और दोनों लोगों ने मिल करके योग पर चर्चा की थी। दोस्तों जब आप पार्वती मंदिर से आगे बढ़ेंगे तो इस दौरान जो रास्ता है बिल्कुल थोड़ा सा सुनसान और ख़तरनाक होता जाता है, बिल्कुल डरावना होता जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
कि रात जो यात्रा है वह दिन के टाइम में ही पूरा करें, क्योंकि पार्वती मंदिर के बाद जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान और घने वीरान जंगलों से होकर के गुजरने लगता है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, यह हरिद्वार को जोड़ता है। इस रास्ते से अगर आप हरिद्वार से झिलमिल गुफा आना चाहते हैं फोर व्हीलर टू व्हीलर से तो आ सकते हैं, बाकी हम तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर तक यात्रा करें तो झिलमिल गुफा और गणेश गुफा तक यात्रा जरूर आएं, क्योंकि दोस्तों जब आप झिलमिल गुफा और गणेश गुफा तक यात्रा करेंगे तब जा कर के आपकी यात्रा संपन्न मानी जाएगी। और जो असली सुकून है दोस्तों वह आपको गणेश गुफा पे मिलता है, क्योंकि गणेश गुफा नीलकंठ मंदिर की जो सबसे ऊंची वाली पहाड़ी है उसकी चोटी पर गणेश गुफा स्थित है। बाकी यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स हैं जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं इन खूबसूरत स्वर्ग जैसी पहाड़ियों पर। मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स कमरे हैं, मौजूद हैं झिलमिल गुफा गणेश गुफा के पास, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अभी दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं झिलमिल गुफा। यहाँ से झिलमिल गुफा मात्र 500 मीटर की दूरी पर और रह गई है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों झिलमिल गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो काफ़ी बड़ा है, और गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही गोरखनाथ बाबा की मूर्ति स्थापित है और जिसके सामने धुना जलता रहता है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बाईं तरफ भगवान शिव की मूर्ति और अन्य कई नागों की प्रतिमा उस झिलमिल गुफा में मौजूद है। दोस्तों पार्वती मंदिर के बाद झिलमिल गुफा और गणेश गुफा का जो रास्ता है बिल्कुल वीरान घना जंगल है, बिल्कुल पतला सा रास्ता है घने जंगलों के बीच से। दिन के टाइम में अगर आप यात्रा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंधेरा होने के बाद जो है जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि तेंदुए और बाघ का, तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन सावन के महीने में दिन के टाइम में श्रद्धालु यात्री आपको इस रास्ते पर चलते मिल जाएंगे, लेकिन सावन के बाद ये रास्ता सुनसान हो जाता है, बहुत ही कम लोग इधर यात्रा करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप नीलकंठ आएँ झिलमिल गुफा गणेश गुफा ज़रूर आएँ। और बारिश भी होने लगी है दोस्तों, और हम जो है पहुँच भी चुके हैं झिलमिल गुफा, सामने झिलमिल गुफा का प्रवेश द्वार है दोस्तों। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ, तो ये देख सकते हैं ये सामने बिल्कुल धुना है, और धुना के सामने बाबा गोरखनाथ की प्रतिमा है दोस्तों, और ये काफ़ी बड़ी गुफा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए, और बगल में बाबा गोरखनाथ की प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। और ये गुफा आप देखें कितनी बड़ी गुफा है दोस्तों, इसे झिलमिल गुफा के नाम से जानते हैं। ऊपर गोलाकार में खुला हुआ है जहाँ से सूर्य की रोशनी आती रहती है। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे नाग देवता की प्रतिमा बनी हुई है, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। ये गुफा बहुत चमत्कारी है दोस्तों, रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ गुफा के अंदर गुफा है, और इस गुफा में भी भगवान भोलेनाथ विराजमान है। कहते हैं दोस्तों ये जो गुफा में गोलाकार में खुला हुआ है यहाँ से सूर्य की रोशनी तो आती है, लेकिन बारिश का एक बूंद भी इस गुफा के अंदर नहीं आता है, चाहे कितना हो तेज बारिश हो रही हो। यही रहस्य है इस चमत्कारी झिलमिल गुफा का दोस्तों। ये थी दोस्तों झिलमिल गुफा, जिसके मैंने दर्शन कराए।
और झिलमिल गुफा के प्रवेश द्वार पर यहाँ भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं, जिनके आप दर्शन करें दोस्तों। और इस झिलमिल गुफा के बगल में ही दो और भी गुफाएं मौजूद हैं, और इन दोनों गुफाओं में कोई न कोई संत महात्मा जरूर तपस्या करते मिल जाते हैं दोस्तों। एक तो ये है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे एक बाबा जी भी बैठे हुए हैं। और दूसरी गुफा ये है दोस्तों, और इसमें आप देख भी सकते हैं एक संत महात्मा हैं, बाबा जी हैं, जो कि तपस्या में लीन है दोस्तों। और इस गुफा को हनुमान गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गुफा के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी की आकृति बनी हुई है और इसमें बाबा जी ध्यान में लीन हैं। और ये दूसरी गुफा है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, इसमें हनुमान जी की प्रतिमा है और इसमें एक संत महात्मा है जो कि सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं दोस्तों इस गुफा में। और ये दोनों गुफाएं भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। अब जो है हम गणेश गुफा के दर्शन कराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जगह जगह पर कुदरती जल के स्रोत, झरनों के जल के स्रोत भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी थकान और प्यास दोनों मिटा सकते हैं दोस्तों। गणेश गुफा यहाँ से 400 मीटर और रह गया है, और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के साथ साथ सुंदर पहाड़ों के दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। झिलमिल गुफा के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब कौरवों ने पांडवों को निष्कासित कर दिया था, तो पांडवों ने इसी झिलमिल गुफा में आकर के कुछ वर्षों तक कड़ी तपस्या करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाए थे। जैसा कि मैंने बताया भी कि झिलमिल गुफा काफ़ी पुरानी गुफा है, इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। अब जो है दोस्तों, हम आपको गणेश गुफा के पास लेकर के आ चुके हैं, और सामने जो पीले रंग का झंडा देख रहे हैं, यह दोस्तों पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। इसी स्थान पर गणेश गुफा स्थित है। सबसे पहले यहाँ से आप स्वर्ग जैसे सुंदर पहाड़ियों के दृश्य देखें, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर आए दोस्तों तो आप कम से कम एक से डेढ़ घंटे जरूर व्यतीत करें, बहुत सुकून मिलता है इस स्थान पर। तो चलिए अब हम देर न करते हुए आपको गणेश गुफा के दर्शन कराते हैं। इस गुफा में दोस्तों गणेश भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं इस स्थान पर। इस चमत्कारी गुफा में, इस रहस्यमय गुफा में गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं एक चट्टानी शिला के रूप में। उस चट्टानी शिला पर गणेश जी की आकृति बनी हुई है, तो अभी आप दर्शन भी करें इस पवित्र गुफा के। ये देख सकते हैं, बड़ी सी चट्टानी शिला है, बड़ी सी चट्टानी गुफा है, जिसके अंदर श्री गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं। ये जो चट्टानी शिला आप देख रहे हैं, जिस पर गणेश जी की आकृति बनी हुई है, ये दोस्तों स्वयं प्रकट हुई है इस पवित्र गुफा में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।